तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या वो क्या? वो मैं वो अरे बोल। दया के लिए वो मोगरे का गजरा लेके आया हूँ बापूजी। हाय दया। अरे खड़ा क्या है? अभी लाया है तो दे दे बहू को। नहीं नहीं भूख लगी है बहुत, तो पहले खाना खा लेते हैं ना बाबूजी। अरे पहले तू अंदर जा, हाथ मुंह तो धो ले। हाँ ये क्या तारक, आप अभी तक आर्टिकल लिख रहे हैं? अभी तक आर्टिकल लिख रहे हैं मतलब अंजलि? आर्टिकल लिखना कोई करेले के जूस बनाने की तरह आसान नहीं है कि करेला डाला मिक्सर में, बटन दबाया और घर से बन गया। मिस्टर मेहता आप कहना क्या चाहते हैं? अंजलि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कोई भी सृजन आसान नहीं होता। दुनिया समझती है ऐसे ही लिख लिए जाते हैं आर्टिकल, ऐसे ही लिख ली जाती है कविता, ऐसा नहीं होता। पहले भाव उपजते हैं, भाव विचार बनते हैं, विचार शब्दों का रूप लेते हैं, शब्द कलम की नोक पे आते हैं, स्याही में शब्द पिरो के उन्हें कागज पे उतारा जाता है। जब कागज पे उतारा जाता है वो वाक्य कविताएं बनती है, वो वाक्य रचनाएं बनती है, वो वाक्य आर्टिकल बनते हैं। ये लेखन की रचना प्रक्रिया है और जब वो रचना जन्म लेती है तो लेखक को ऐसी खुशी होती है जैसे किसी माँ ने शिशु को जन्म दिया है। समझिए आप? वाह वाह क्या बात है मेहता साहब, आपने तो एक लेखक के मन की कठिन और मुश्किल बात कितनी आसानी से समझा दी। शुक्रिया शुक्रिया, मेरा भी आर्टिकल 2 मिनट में पूरा हो रहा है, फिर बात करते हैं। तारक एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है बस। अरे अंजलि बस मैं जरा ही आर्टिकल ईमेल कर दूं, उसके बाद ईमेल ई फीमेल की सारी बातें सुनेगा, ठीक है? 2 मिनट ये गया जी। हाँ अब बोलिए हुजूर आला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या बात करनी है बताओ। तारक अगले संडे आपको मेरे साथ रहना है। जी अब बात करती हूँ अंजलि। अरे इस संडे शाम क्या, हमने तो जिंदगी का हर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके नाम लिख लिया है। हाँ वो तो है, लेकिन इस संडे आपको स्पेशली मेरे साथ रहना है। स्पेशल मतलब क्या, खास क्या है? आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? एमजी रोड पे वो बड़ा रेस्टोरेंट खुला है ना। हाँ रेस्टोरेंट, अरे नया रेस्टोरेंट। हाँ मुझे हाथी भाई ने बताया था कि एमजी रोड पे शानदार रेस्टोरेंट खुला है और क्या डिशेस बनाता है वो, और एक वहाँ चिली चीज टोस्ट खाने के लिए तो मुझे बोला है कि जरूर जरूर खाना, और वहाँ का जो समोसा चटनी है ना, माय गुडनेस माइंड ब्लोइंग। मैं तो इतने से सोच ही रहा था कि कब जाए कब जाए कब जाए, तुमने आज मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्दी चलेंगे संडे, 100% चलेंगे, संडे को कोई काम नहीं, तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ वो सब ठीक है तारक, लेकिन वो रेस्टोरेंट के बाजू में जो बड़ा सा मॉल है ना, वहाँ हमें शॉपिंग करने जाना है। वो रेस्टोरेंट के पास में वो शॉपिंग मॉल बड़ा वाला? संडे? हाँ। ये संडे कमिंग? बस। अच्छा हाँ, अरे संडे, अंजलि 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 अंजलि, इस संडे को कैसे चलेंगे? मैं तो इस संडे को टाउन में कवि सम्मेलन में जाना है, मैं कमिट कर चुका हूँ। पर तारक अभी तो आपने कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे। नहीं नहीं कहा था चलने के लिए, और बिल्कुल मैंने ही तो कहा था चलने के लिए, लेकिन क्या जब मैं कह रहा था ना तो संडे डे ध्यान आ गया लेकिन डेट नहीं ध्यान रही है, और एकदम से जब रीथिंक किया तो वो डेट ध्यान आ गई, तो उस डेट पे तो मैं कमिटेड हूँ, मुझे वहाँ पे कविता पाठ करने के लिए जाना है ना अंजलि। वाह 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 तारक, अभी रेस्टोरेंट की बात की तो आप तैयार थे मेरे साथ आने के लिए, और अभी शॉपिंग की बात की तो बस बहाने बनाना शुरू। नहीं नहीं अंजलि कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं तुमसे बहाने बनाऊंगा? बहाने नहीं, असल में मैं उन लोगों को वादा कर चुका हूँ भाई कि मुझे वहाँ पे कविता पढ़नी है, तो मना कैसे करूँ, जाना ही पड़ेगा ना। वाजी वाह तारक मेहता, दुनिया को देंगे एंटरटेनमेंट और बीवी के लिए नहीं टाइम 10%। ये तो अंजलि एंटरटेनमेंट का काफी परसेंट के साथ, प्लीज ऐसे गलत काफी मत मिलाओ। और तुम कविता की बात कर रही हो, भूल गई तुम? अरे ये मेरी कविताएं सुन सुन के ही तुमने अपना दिल मुझे दिया था, ये भूल गई? मुझे सब याद है तारक,
आप सब कुछ भूलने लगे। मैं क्या भूल गया? मुझे सरप्राइज देना। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? पत्नियों को कितना अच्छा लगता है जब उनके पति उनको सरप्राइज डिनर पे ले जाते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। आपको पता है जेठा भाई ने दया भाभी को सरप्राइज में क्या दिया? क्या? मोगरे का कचरा। टप्पू के पापा, क्या खुशबू है! टप्पू के पापा, कितने दिनों के बाद आप मेरे लिए मोगरे का गजरा लेकर आए हैं। वो दुकान से आ रहा था तो रास्ते में मैंने गजरे वाले को देखा तो एकदम से मुझे तेरी याद आ गई। अच्छा, गजरे वाला मेरे जैसा दिखता था? नहीं नहीं, सॉरी, गजरे वाले को देख के तेरी याद नहीं आई, मोगरे का गजरा देख के तेरी याद आई। तो मैंने सोचा चलो आज घर जाके दया को मोगरे के गजरे की सुगंधी सरप्राइज देते हैं। कैसी लगी सरप्राइज? बहुत ही अच्छी है, है ना? टप्पू के पापा, पता है मुझे बचपन से मोगरे का गजरा बहुत पसंद है। थैंक यू। अरे, आप मेरी छोटी छोटी पसंद का कितना ख्याल रखते हैं। तेरे जितना नहीं, तू मेरी छोटी बड़ी हर पसंद का ख्याल रखती है। जेठिया, हाथ मुंह धो लिए कि नहीं? आया आया बापूजी। मैं खाने लगती हूँ। मजाक मत कीजिए, आपको नहीं लगता कि जेठा भाई की तरह आपको भी मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाना चाहिए? अंजलि, इन मेटेरियलिस्टिक चीजों में क्या रखा है? ये छोटी मोटी चीज है भाई। तुम कहो तो मैं तुम पे एक शानदार आर्टिकल लिख दूं अभी। अंजलि, जिसे मेरे अन्न और जल से दुश्मनी है। हा? या जो मेरे अन्न से जलती है। तारक, इनफ ऑफ योर आर्टिकल एवरी टाइम। जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करती। कुछ याद नहीं रहता आपको? हमारी फर्स्ट मीटिंग डेट, मेरा बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, सब मुझे याद रखना पड़ता है। हादसों की तारीख कौन याद रखता है? क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हाँ, हंसिए। आपको क्या? आपको तो बस अपना आर्टिकल लिखना, आर्टिकल के विषय, आर्टिकल की डेडलाइन, आर्टिकल से मीटिंग, अब बॉस से मीटिंग, बस यही सब याद रहता है आपको तो। मेरे लिए आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। तारक, मैं भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, आप मुझे भी तो सरप्राइज कीजिए। जाइए और जेठा भाई से सीखिए कि वो दया भाभी को कैसे खुश रखते हैं। अंजलि, अगर सीखने की बात है तो तुम जाओ कोमल भाभी से सीखो कि वो डॉक्टर हाथी को कितनी अच्छी अच्छी डिश बना के, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल खिला के कितना खुश और तंदुरुस्त रखती है। तारक, आपको ये चाहिए? ना। कल मैं आपके लिए स्पेशली आपका पसंद का खाना बनाऊंगी, मसालेदार, खुश। एक मिनट, जरा चिकोटी काटना। क्या था, चुटी काटो ना जरा। क्यों भाई? जरा कंफर्म करना कि ये जो तुम बोल रही हो वो कहीं मैं सपने में तो नहीं देख रहा, ये मतलब सब चल रहा है ना ओरिजिनल? हाँ तारक, ये सपना नहीं सच है। अगर ऐसी बात है अंजलि, तो कल तारक मेहता साहब भी ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आएंगे, सरप्राइज गिफ्ट। तो डील पक्की? पक्की। जरा हम भी तो देखिए कि आप हमारे लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं। अंजलि, मेरी परीक्षा मत लो। जब मैंने कहा मैं ले आऊंगा, मतलब ले आऊंगा। चलो अभी प्लीज मुझे सोने दो, मुझे काम पे भी जाना। और मेरे लिए गिफ्ट भी लानी है, भूलना मत। अंजलि, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो भाई। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट लाएंगे। अरे अंजलि, जब सरप्राइज है तो जान कैसे सकते हैं? जब गिफ्ट आएगी तब देख लेना कि गिफ्ट क्या है। अब प्लीज सो और सोने दो। तारक, क्या है अंजलि? अच्छी गिफ्ट लाना है अंजलि। मैं ये
जेठालाल के मोगरे के गजरे की वजह से सारी रामायण शुरू हुई है। जेठालाल तुमने मेरी नींद खराब की, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी नींद खराब करता हूँ। सरप्राइज गिफ्ट क्या लेके आओगे क्या? अरे कर रही है दया, सो जा चुपचाप। अरे अब गरबा का म्यूजिक बजाएंगे तो गरबा करूंगी नहीं तो। भाई मैं कोई म्यूजिक नहीं बजा रहा। मेरा फोन कौन है इतनी रात को? हेलो जेठालाल मेहता बोल रहा हूँ। मेहता साहब क्या हुआ, इतनी रात को फोन क्यों किया? जेठालाल तुम्हारी वजह से मेरी नींद हराम हो गई है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है जेठालाल? तुमने आग लगाई है। मैंने? हाँ। कहाँ? मेरे घर में। क्या बोल रहे हो मेहता साहब, सो जाओ चुपचाप। जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे घर में आग लगी है। तो आप खुद फायर ब्रिगेड और बुझा दो आग। जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। आधी रात को मजाक करने के लिए फोन करूंगा मैं तुम्हें? सच में आपके घर में आग लगी है? हाँ। जेठालाल तुम दया भाभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आए, गजरा। बहुत अच्छा, बढ़िया बात है, लेकिन ये बात अंजलि को बताने की क्या जरूरत थी? अरे भाई मैं अंजलि भाभी को सामने से बताने नहीं गया था, वो मुझे कंपाउंड में मिल गए तो बता दिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बहुत अच्छे, क्या हुआ जेठालाल? अरे हुआ क्या है, अंजलि अदरक खा के पीछे पड़ गई अब मेरे। जेठा भाई तो दया भाभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं, आप भी लेके आओ। क्या लाओगे, कब जाओगे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मेहता साहब, ऑफिस आते वक्त तो अपना SV रोड और VP रोड का कॉर्नर है ना, उधर जमनी बाजू पे गजरा वाला बैठता है, तो उससे ले लेना गजरा, घर पे आके दे देना अंजलि भाभी को। लेकिन सुनो 20 रुपया छुट्टा लेके जाना, उसके पास 100-500 का छुट्टा नहीं होता है। जेठालाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसी बकवास को पत्नी सरप्राइज कहते हैं, समझे? चलो गुड नाइट। हेलो हेलो, हद है, मेरी नींद खराब करके खुद सो गए आराम से। अरे राकेश जी आप चिंता मत करो। हाँ 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 पक्का पक्का, ओके ओके ओके, ओ ऑल राइट सर, ओके ओके ओके। तारक देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। क्या? लौकी का जूस, इसमें पीस के बादाम डाली है। लौकी में बादाम? समझ में नहीं आ रहा, धार्मिक फिल्म में आइटम सॉन्ग, मतलब क्या कॉम्बिनेशन क्या है लौकी और बादाम का? ये लौकी और बादाम के कॉम्बिनेशन से याददाश्त डबल स्ट्रांग हो जाती है, और पिछले 24 घंटे में हमारे बीच में जो कुछ भी बात हुई है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद रहेगी। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया कि आप मेरी याददाश्त में इतनी अतिरिक्त मेहरबानी आज क्यों कर रही है। मुझे याद है पिछले 24 घंटे में जो जो भी बातें हुई मुझे पूरी याद है। देखा? आपने सिर्फ ग्लास को छुआ और आपको सब कुछ याद आ गया। सोचिए पूरा ग्लास पी जाएंगे तो क्या होगा? क्या हुआ? लकवा, अगर पूरा पी लूंगा तो लकवा हो जाएगा, कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, लेखक को लौकी से लकवा। तारक ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या है? छोड़ो ना, हिंदी साहित्य की बात है, छोड़ो ना तुम। कमाल का है ये, कमाल की याददाश्त बढ़ाने वाला जूस है ये। देखो आधा ग्लास तुम्हें भी पीना चाहिए ताकि तुम्हें भी याद रहे कि तुमने कल क्या वादा किया था। हाँ हाँ बराबर याद है, देखना शाम को आपकी मनपसंद सारी डिश रेडी होगी, सरप्राइज। चलिए तो मुझे भी मेरा प्रॉमिस बिल्कुल याद है, मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा आपको कि आप सरप्राइज हो जाएंगी। ठीक है ओके। तारक एक मिनट, वो सरप्राइज गिफ्ट में मोगरे का गजरा मत लाना प्लीज। गेंदे का लेके आऊं? मतलब क्या लेके आऊं? वही तो मैं देखना चाहती हूँ तारक कि आप मेरे लिए क्या लाते हैं गिफ्ट में। ओके बाय बाय। खुद कह रही है ये मतलब वो मतलब सरप्राइज भी चाहिए, क्या समझ। बाय। हाँ बाय, मोगरे का गजरा नहीं लाऊंगा।
अपनी भाभी को एक सरप्राइज गिफ्ट गिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, कल तो मैंने ऐसी जिद पकड़ी थी कि उन्हें मानना ही पड़ा। अरे वो तो ठीक है, पर अंजलि भाभी ये तो बताए कि आपने मेहता सबको ऐसा क्या कहा? मैंने तारक को कॉर्नर करके ऐसा कन्विंस कर दिया कि मुझे सरप्राइज गिफ्ट के लिए हाँ कहने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। सुअच्छा अंजलि भाभी, टमेटो गजब छे। अरे सुनो सुनो, मुझे लगता है हमें अंजलि भाभी से ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। टंटन सच्ची बच्चे। अंजलि भाभी, मेहता साहब आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट देते हैं वो आपको हमें बताना पड़ेगा। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। पर बताऊंगी बताऊंगी, सबको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मुझे मिलने वाले सरप्राइज गिफ्ट के बदले में मुझे उनके लिए सरप्राइज डिनर बनाना है। So I'm very busy. इसलिए मैं आप सबसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? आप क्या खाना बनाने वाले हो तो बताइए। Well, ये भी एक सरप्राइज है। सुनो सुनो गांव वालों, गोकुलधाम सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर शुरू होने वाला है जबरदस्त खेल। सरप्राइज 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 खेल। दया भाभी, आप खिलाने वाली थी भेल। सरप्राइज सरप्राइज पत्नी को क्या गिफ्ट दी जाए, इस पे आर्टिकल लिखना होता तो इतना सोचना नहीं पड़ता जितना गिफ्ट देने के लिए सोचना पड़ रहा है। अंजलि को क्या गिफ्ट दूं? मेहता साहब, सर आप वाउचर पे साइन करना तो भूल ही गए। अच्छा दिखाओ जरा। ओहो, सॉरी सॉरी। और बॉस को तो आपने पुरानी फाइल भेज दी। क्या बात कर रहे हो? यस जी। यार समझ में नहीं आ रहा पटेल के मैं क्या कर रहा हूँ यार, सुबह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आप सुबह से टेंशन में लग रहे हैं, घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। बाय द वे पटेल, तुम्हारी शादी हो गई क्या? जी नहीं। अरे बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत भाग्यशाली आदमी हो। पटेल इस पे मैंने साइन कर दिए और ये फाइल जो सही फाइल, हाँ ये सही फाइल ये वाली है। हाँ ये तुम प्लीज बॉस को देना और बॉस को थोड़ा सा संभाल लेना। हाँ ओके सर, थैंक यू। हे भगवान, इस सरप्राइज गिफ्ट के चक्कर में बॉस मुझे नौकरी से निकालने का सरप्राइज न दे दे। क्या गिफ्ट दूं यार, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई जज मुजरिम से कहे कि तुम्हें क्या सजा दूं भाई बता दो। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। कौन है और सूरी रोशन भाभी को सरप्राइज देता रहता है, सरप्राइज गिफ्ट भी देता होगा, एक्स्ट्रा रोमांटिक है भाई अपना सूरी, वो जरूर बता देगा। ओ मेहता साहब मेरी गल सुनो, अंजलि भाभी को सरप्राइज गिफ्ट में नई गड्डी दे दो और खुश हो जाएगी। खुश भाई अंजलि तो खुश हो जाएगी सूरी, लेकिन नई गाड़ी मतलब तुम क्या बात कर रहे हो गिफ्ट में? सूरी मेरी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कोई गिफ्ट बताओ ना। मेरे कहने का मतलब भाई नई गाड़ी कैसे ले सकता हूँ मैं सोड़ी? तो एक काम करो, अंजलि भाभी को नई सेकंड हैंड गाड़ी गिफ्ट कर दो। नई सेकंड हैंड सोड़ी, जो गाड़ी सेकंड हैंड होती है वो नई कैसे हो सकती है? जो नई होती है वो थोड़े दिन में सेकंड हैंड हो ही जाती है। कोई ऐसे गिफ्ट बताओ ना सोड़ी जिसे देख के अंजलि एकदम खुश हो जाए। तो मेहता साहब एक अंगूठी गिफ्ट कर दो। नहीं आइडिया अच्छा है, लेकिन छोड़ी क्या अंगूठी बहुत छोटी हो जाएगी, कुछ बड़ा कोई बड़ा गिफ्ट बताओ ना। तो बड़ी गिफ्ट तो टायर गिफ्ट कर दो। इतने बड़े सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोड़िया, थैंक यू। हेलो मेहता साहब, हेलो हेलो, टायर दे दो। ऐसी गिफ्ट अंजलि को दे दी तो मुझे फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर हाथी बोलिए बोलिए। मेहता साहब तबियत तो ठीक है ना? नहीं नहीं तबियत बिल्कुल ठीक है आती भाई, कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं है, बस एक जरा सी पर्सनल परेशानी थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। बताइए मेहता साहब क्या परेशानी है, डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए और हम तो पड़ोसी भी हैं। एग्जैक्टली भाई, डॉक्टर तो है ही लेकिन पड़ोसी भी है, इसीलिए आपको फोन किया है डॉक्टर हाथी। असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ तो सोचा आपसे जान लूं कि क्या दूं जो अच्छा लगेगा। मेहता साहब मैं अब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो वेरी मच, बताइए ना बताइए ना। आप ऐसा कीजिए कि अंजलि भाभी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट की एक साल की खाने की कूपन गिफ्ट कर दीजिए।
एक साल का रेस्टोरेंट का कूपन। क्या है ना कि औरतें सुबह शाम हमारे लिए खाना बनाती है, और अगर आपने अंजलि भाभी को एक साल के खाने की कूपन गिफ्ट दे दी तो उन्हें कितना आराम मिलेगा, और आपको भी एक साल के लिए डाइट फूड से छुटकारा। एक तीर दो निशान, कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं, आइडिया लाजवाब है, और आपके खुद के खाने का आइडिया तो कमाल का है। लेकिन असल में क्या है हाथी भाई, अगर ये गिफ्ट मुझे आपको देनी होती ना तो ये आइडिया बहुत अच्छा था। आपको तो मालूम है उसके और बाहर के खाने का कोई रिश्ता नहीं है। चलिए, एनीवेज थैंक यू सर। कोई बात नहीं, जैसे मेरा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, सोचता हूँ कि अपने आप को ही गिफ्ट कर दूं एक साल के होटल की कूपन। थैंक यू मेहता साहब। आदमी कितना ही पढ़ लिख क्यों ना ले, बीवी को क्या गिफ्ट देना है ये उसके दिमाग में आता ही नहीं। बीवी को गिफ्ट देना नहीं हो गया, रॉकेट साइंस हो गया। साइंटिस्ट, वही मेरी मदद कर सकता है। आप अंजलि भाभी को एक मेकअप किट गिफ्ट कर दो। वैज्ञानिक महोदय, सोच तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन अंजलि के पास ऑलरेडी बहुत सारे मेकअप किट हैं। तो क्या हुआ मेहता साहब, एक और इम्पोर्टेड वाला मेकअप किट गिफ्ट कर दो। क्या है मेहता साहब, लेडीज को गिफ्ट में मेकअप किट देने से वो खुश हो जाती है। अरे यार, इम्पोर्टेड भी होगा तो रहेगा तो मेकअप किट ही ना, तो जो चीज ऑलरेडी अंजलि के पास है वो सरप्राइज कैसा हुआ फिर अगर मैं वो दूं तो। फिर भी हेलो हेलो, लगता है मेकअप किट लेने चले गए। हेलो हेलो, रायचंद जी। रायचंद जी नहीं नहीं, पोपटलाल जी। मेहता साहब, आपने पोपटलाल जी को फोन किया है? जी जी, मैं जानता हूँ, परम आदरणीय कि मैंने आप ही को फोन लगाया। लेकिन क्या है कि हर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मसले पे आप चाहे अनचाहे अपनी राय देते ही हैं, इसीलिए रायचंद जी। बताइए कैसे याद किया? बस कुछ नहीं, आपसे जरा सी राय लेनी थी, देंगे? हाँ हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। अरे पोपटलाल, बात कुछ खास नहीं है भाई, असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूँ, तो तुम जरा आइडिया दो ना कि क्या दे सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो। मेरी शादी करा दीजिए। क्या? हाँ मेरी शादी करा दीजिए। भाई पोपटलाल, अंजलि की गिफ्ट का कंफ्यूजन तो शायद दूर भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी का मसला भाई मेरे बूते के बाहर की चीज है। तुमने मुझसे बहुत बड़ी गिफ्ट मांगी, प्लीज। हाँ तो मांगूंगा ही ना, ऐसा सवाल पूछकर आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि एक पत्नी को सरप्राइज में क्या गिफ्ट देनी चाहिए? अरे भाई पोपटलाल, मेरी गलती होगी कि मैंने तुमसे पूछा, मेरे दिमाग में आया ही क्योंकि तुम मुझे कोई राय दे सकते हो। मेरी गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर कभी इस मसले पे फोन नहीं करूंगा। ओके ओके। तो वैसे इतना कंफ्यूजन है ऊपर से। कितना कंफ्यूजन है भाई, ये औरत को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, क्या अच्छा लगेगा, ये मर्द को कैसे पता चल सकता है? लेकिन औरत को तो पता चल सकता है। हेलो हेलो दयाबाबी, तारक मेहता बोल रहा हूँ, आपसे जरा दो मिनट बात करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए ना मेहता साहब, मैं कहाँ ऑफिस का काम में बिजी हूँ। दयाबाबी असल में क्या था कि मैं अंजलि को एक गिफ्ट देके थोड़ा सा उसे सरप्राइज करना चाहता था। अरे वाह, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दूँ, मुझे लगा आपसे बेहतर कौन बता सकता है, तो आप जरा बताएंगे कि क्या दूँ अंजलि को गिफ्ट के वो खुश हो जाए एकदम से? मुझे लगता है आपको अंजलि भाभी को कोई एक डिजाइनर फैंसी सा पर्स देना चाहिए। यू नो आजकल मार्केट में बहुत अच्छे लेदर डिजाइनर पर्सेस मिलते हैं। नहीं नहीं बबीता जी, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन क्या है कि अंजलि इवन मुझे भी मना करती है लेदर की चीजें यूज करने के लिए, वो एनिमल राइट्स एंड ऑल दैट, वो कहती है कि भाई ये प्योर लेदर की चीजें नहीं यूज करो, कम यूज करो। तो फिर आप? नहीं बबीता जी, डोंट बॉदर। ओके बाय। सैंडल दे दूं, पर्स दे दूं, होटल का कूपन दे दूं, क्या क्या दे दूं, और कंफ्यूज हो गया हूं। ये जेठालाल ने ऐसी आग लगाई है ना गिफ्ट की कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसने आग लगाई है उसी को पूछता हूँ। बोलिए बोलिए मेहता साहब, क्या हाल है? पूछो ही मत कि क्या हाल है, हाल बड़े बेहाल है जेठालाल, जबरदस्त टेंशन है, कंफ्यूजन है, मुसीबत है, परेशानी में आ गया हूँ।
क्या हो क्या गया आपका मेहता साहब? कल से आप टेंशन, परेशानी, मुसीबत ऐसे ही शब्द का प्रयोग किए जा रहे हैं। अरे भाई ये सब शब्दों पे सिर्फ जेठालाल चंपकलाल गड़ा की मोलोपनी है। जेठालाल जले पे नमक मत छिड़को, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी उस सरप्राइज गिफ्ट की वजह से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। रातों की नींद तो गई, दिन का चैन भी चला गया। आप अभी तक रात की बात पे अटके हुए हो? अरे भूल जाओ मेहता साहब, रात गई बात गई। अरे ऐसे कैसे भूल जाने का जेठालाल, बोलना बहुत आसान होता है कि भूल जाने का, और चलो हम तो भूल भी जाए लेकिन हमारी बीवियां नहीं भूलती हैं। क्या सरप्राइज गिफ्ट दूं जेठालाल, सबको फोन कर करके पूछ चुका हूँ क्या दूं क्या दूं क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं। अरे इसमें सोचने का क्या मेहता साहब, एक काम करो, एक बढ़िया सा लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद करके दे दो, अंजलि भाभी खुश हो जाएंगे। बोलो दुकान से आते आते लेके आऊं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन। जेठालाल अंजलि इतनी स्मार्ट है कि उसके पास ऐसी तमाम चीजें हैं जो तुम्हारे और मेरे दिमाग में आएंगी। उसके कजन ने ऑलरेडी एक महीना पहले उसे स्मार्टफोन दिया है। अब क्या करूं भाई जेठालाल? क्या मेहता साहब, आप एक लेखक हो, कवि हो, रोज नया नया सोच के बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा लिखते हो, एक सरप्राइज गिफ्ट के बारे में सोच नहीं सकते? एक काम करो, अंजलि भाभी का चेहरा याद करो, दिमाग पे जोर डालो, कोई ना कोई बढ़िया सरप्राइज गिफ्ट मिल ही जाएगी। ठीक है, चलो ऑल बेस्ट। ओके सोचो सोचो। अरे क्या पर जेठालाल, हेलो लेखक का क्या मतलब इसमें? हेलो हेलो गांव बसाने और भिखारी पहले, माफ करना अंजलि तुम्हें भिखारी नहीं कर रहा हूँ, कहावत है। अभी पूछेगी गिफ्ट के बारे में। फोन अटेंड नहीं करूंगा तो फिर फोन पे फोन करती रहेगी। हेलो मेरे प्यारे पतिदेव, क्या हाल है? हाल बड़े बेहाल है अंजलि। मतलब? अरे भाई ऑफिस में बहुत काम है इसलिए थोड़ा सा हाल बेहाल है। बताओ ना तुमने फोन कैसे किया? अर्ज किया है। क्या किया है? शेर अर्ज किया है, शेर। और फरमाइए। ओहो आजकल आप भी शेर कहने लगी। इरशाद, मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? आज मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाना है, याद है कि नहीं? याद करने की बात करती हो अंजलि? अरे तुम्हारे बारे में न सोचूं ऐसा कोई दिन कोई रात नहीं है। जिस बात में तुम्हारी बात न हो ऐसी कोई बात नहीं है। और सरप्राइज गिफ्ट लाना है, ये कोई भूल जाए ऐसी मेरी क्या किसी पति की औकात नहीं है। अरे तारक को याद है, वाह वाह क्या बात है। वैसे तारक आपके सरप्राइज का शेर इतना अच्छा है तो सरप्राइज कितनी अच्छी होगी, है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी फोन रखो, हाँ प्लीज मैं काम कर लूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ आई एम सो एक्साइटेड, सी यू। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी घर लौटना, ठीक है? हाँ आ जाऊंगा आ जाऊंगा, बाय। भगवान, हे भगवान, गिफ्ट का इंतजाम हुआ नहीं और अंजलि के फोन, क्या करूं? क्या करूं? Yes! Wow! क्या बात है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व। अंजलि आई एम होम। तारक आप प्लीज वही रुकिए, अंदर मत आइए। तारक मैं प्लीज सरप्राइज की तैयारी कर रही हूँ, प्लीज अंदर मत आइएगा प्लीज। अरे नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। अरे सुनो तो, हाँ 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 वैसे एक बात कहूँ, खुशबुए बता रही है कि आज का सरप्राइज बड़ा लजीज होने वाला है। कौन है? अरे उपेंद्र बंसाली जी, क्या बाकी रह गया? कौन सी फाइल? नहीं नहीं वो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे वो फाइल मैंने आपको दी थी ना,
हाँ लाल कलर में थी, मुझे मालूम है। नहीं मेरे साथ जरा देख लेता हूँ एक मिनट। नहीं 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 सॉरी 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 यार, ये एग्रीमेंट वाली फाइल तो मेरे पास ही आ गई। हाँ तो कल सुबह मैं ऑफिस में ले आता हूँ ना। अभी अच्छा मतलब इतना क्या इम्पोर्टेंट है? ओहो हो ओके ओके एग्रीमेंट आप दे देंगे अभी, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, इतना अर्जेंट है तो तुम एसवी रोड के उस कॉर्नर तक पहुँचो, मैं वहीं पर आके तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। हाँ सो विल नॉट लूज टाइम, ओके ऑलराइट, ठीक है ठीक है ओके। हाँ अंजलि अंजलि क्या हुआ तारक? अरे, आते अरे, ही थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ रेडी है। अरे अंजलि इस चीज के लिए आवाज नहीं दे रहा था, असल में ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो गलती से मेरे साथ आ गई और वो फोन आया कि मुझे अभी के भी लौटाने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं लौटाने जा रहा हूँ, बस यूं गया यूं आया। हाँ पर अभी आए और अभी वापस। अंजलि कौन जाना चाहता है वो भी ऐसी खुशबुओं को छोड़ के, लेकिन क्या करे भाई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ऑफिस की, साथ में आ गए, बस एसवी रोड के कॉर्नर तक जाना है, यूं गया यूं आया बस फटाफट। हाँ बस जल्दी आ जाता हूँ मैं, है ना। हाँ पर तारक जल्दी आ जाना, सरप्राइज अभी अभी तला है। और तारक मेरा सरप्राइज गिफ्ट, ओह माय गॉड, तारक ने यहाँ छुपा के रख दी थी। हम भी किसी से कम नहीं है बच्चों, अब भी देखती हूँ। ओह माय गॉड, इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए, माय गॉड तारक मेरे लिए लाए, आई कैन बिलीव दिस, सो प्रिटी। इसकी तो मैचिंग ज्वेलरी भी मेरे पास है, अब भी ये साड़ी पहनने को दिल करता है। हाँ ये साड़ी पहन के तारक को ही सरप्राइज दे देती हूँ। यस कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है, ये साड़ी तो महिला मंडल को दिखाना बनता ही है, मगर कैसे? कचौरी देने के बहाने मैं सबके घर जा सकती हूँ, तारक ने दी हुई गिफ्ट देखकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। मिसेज अंजलि तारक मेहता, इस साड़ी में आप खूबसूरत तो बहुत लग रही है। थैंक यू मिस्टर तारक मेहता। नहीं नहीं और दो दिन दवाई आपको चालू रखनी पड़ेगी। कोमल भाभी, हाथी भाई, कैन आई कम इन? अरे मोस्ट वेलकम, आइए आइए बैठिए। कैसे हैं आप? ऑल वेल। हां मैं बैठूंगी नहीं कोमल भाभी, एक्चुअली थोड़ी सी जल्दी में हूँ, मैंने ना स्पेशली सबके लिए कचौड़ी बनाई है गर्मा गर्म। कचौड़ियाँ? मैं वो देने आई थी। गॉड थैंक यू फॉर द कचौड़ी, बट सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। थैंक यू। और बहुत ब्यूटीफुल खुशबू आ रही है कचौरियों की, लाइए लाइए मुझे टेस्ट तो कराइए। अरे वाह, कंट्रोल हैंस। अरे कोमल खाने के मामले में मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अंजलि भाभी ब्यूटीफुल साड़ी, एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल कोमल भाभी वेरी स्पेशल। क्या? ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दी है। ओह लकी, माय गॉड हंस, देखो तो मेहता साहब ने इन्हें कितनी मस्त साड़ी गिफ्ट की है। सही बात है, साड़ी बहुत मस्त है, लेकिन उससे भी ज्यादा मस्त कचौरियां हैं। हंस मुझे भी एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करो, कुछ सीखो मेहता साहब से। मैं तो सीख लूंगा मेहता साहब से कोमल, लेकिन उससे पहले तुम अंजलि भाभी से ऐसी मस्त कचौरियां बनाना सीखो। हंस हाँ हाँ मैं दुकान पर हूँ, आप जल्दी से स्टॉक दे दीजिए। हाँ नहीं नहीं जल्दी भेजिए, दुकान बंद करना भाई। हाँ ओके। एक्सक्यूज मी, वैसे तारक मेहता इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ हाँ मेहता साहब इसी सोसाइटी में रहते हैं, कहिए क्या काम है? वो हमारी साड़ी लेकर चले गए। साड़ी लेकर चले गए? क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ, हाँ,
आप यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, स्विमिंग के बाजू में ही ग्राउंड फ्लोर पर उनका घर है। ओके, थैंक यू सो मच। चलो मिस्टर मेहता से हम अपनी साड़ी ले लेते हैं। भाभी कचौरी के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अरे माधवी डाइट कचौरी के लिए थैंक यू बोलो। नहीं भीड़े भाई, डाइट कचौरी नहीं है, चटपटी मसालेदार कचौरी है। काय संगता है, क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू अंजलि भाभी फॉर द कचौरी एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू तुम बहुत प्रिटी लागो छो। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू सो मच। पर तुम ये तो बताओ कि तुम ऐसा सरप्राइज मुझे कब दोगे? और सोनिया काली मेहता साहब को पकड़ता हूँ और उन्हें पूछता हूँ कि ऐसी खूबसूरत साड़ी उन्होंने कहाँ से ली है, और ऐसी सेम टू सेम साड़ी तुम्हें गिफ्ट करूंगा। रोशन सेम टू सेम सू। और सोनिया मैं मजाक कर रहा सी, और तुम्हें जैसी साड़ी पसंद है वैसे ही लाके दूंगा बस। अरे यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। खैर चलो। मस्त साड़ी है अंजलि भाभी, नहीं क्या पुकार पापा? अरे एकदम जबरदस्त। अरे अब देखिए ना, देखिए। थैंक यू अंजलि भाभी, ये साड़ी में तो आप और भी सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच दया भाभी। आपको पता है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तारक अकेले जाके मेरे लिए इतनी बढ़िया साड़ी लेकर आए। अरे आखिर मित्र किसके हैं, जेठालाल चंपकलाल गड़ा के? और दूसरी बात क्या है अंजलि भाभी कि मेहता सब की सोच पूरी दुनिया से अलग है। बिल्कुल, इसीलिए तो आपके दोस्त ने मुझे पसंद किया। मैंने आपसे कहा था ना अंजलि भाभी कि मेहता साहब जो सरप्राइज गिफ्ट आपको देते हैं वैसी तो मैं भी दया को नहीं दे पाता। हाँ जेठा भाई आप सच कह रहे हैं, मैं ही खामखा तारक को ताने कस रही थी। वैसे तो तारक बहुत अच्छे हैं, हमको तो पता ही है। अंजलि भाभी आपकी इच्छा थी ना कि मेहता साहब आपको सरप्राइज गिफ्ट दे, हो गई ना आपकी इच्छा पूरी? हाँ दया भाभी, और इसीलिए तो मैंने भी तारक के लिए आज स्पेशल खाना बनाया है, डाइट फूड नहीं मसालेदार। ओहो, मतलब मेहता साहब को रिटर्न सरप्राइज गिफ्ट? बिल्कुल, सिलसिला ये सरप्राइज गिफ्ट का हमने ना बुझने दिया। ओके जेठा भाई, दया भाभी मैं चलती हूँ। क्या हुआ दया भाभी? अजी भाभी ये लीजिए गाजर का हलवा। दया भाभी इसकी क्या जरूरत थी? अंजलि भाभी मेरी माँ हमेशा कहती है कभी भी पड़ोसी को उनका बर्तन खाली नहीं लौटाना चाहिए, उसमें हमेशा कुछ मीठी चीज डालकर देनी चाहिए, उससे संबंध में मिठास रहती है। कितनी अच्छी है आपकी माँ। पता है मुझे तो लगता है कि आपकी माँ की सारी बातें ना इंटरनेट पे डाल देनी चाहिए ताकि लोगों को भी कुछ सीख मिले। थैंक यू, मेरी माँ है ही ऐसी। वैसे चलो मैं चलती हूँ, तारक अभी आते ही होंगे। एक्चुअली उनको कुछ भी बताए बगैर मैंने बॉक्स में से निकाल के ये साड़ी पहन ली है। ओहो, अरे ये तो मेहता साहब के लिए एक और सरप्राइज। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ बाय। ओके अंजलि भाभी। आपकी सरप्राइज मेहता साहब को कैसी लगी वो बताना जरा। बिल्कुल। चल ओ अंजलि भाभी अभी वो कचौरी दे के गए ना, वो दे मुझे। अरे पर आपने तो खाना खा लिया है। या भाई मैं हमेशा थोड़ी इधर जगह बचा कर रखता हूँ। अरे पेट मेरा खानी, मुझे तुझे क्या तकलीफ हो रही है भाई? ठीक है मैं देती हूँ। हाँ देना। अभी तो जस्ट प्रे कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। ऑफ कोर्स हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हां बबीता जी आहिर भाई। हाय, क्या बात है अंजलि भाभी, आप किसी शादी में जा रहे हो क्या? अरे नहीं बबीता जी, शादी में नहीं जा रही हूँ। ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे दी है, इसलिए मैंने पहनी है। ओहो क्या बात है, कैसी लगी? अरे बहुत सुंदर है यार, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो, सो स्वीट। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहता के यहाँ ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? जी हाँ। चलिए आइए। अंजलि भाभी यही कहीं होनी चाहिए। ओके।
और है अंजलि भाभी, मेहता साहब की वाइफ, अब उनसे मिल लीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज। ये तो वही साड़ी है। एक्सक्यूज मी मैम, आप ही है ना अंजलि तारक मेहता? हाँ, कहिए। इसका मतलब हम लोग सही एड्रेस पे आए हैं। देखिए मैडम, आप बुरा मत मानेगा, लेकिन अभी जो आपने साड़ी पहनी है ना, दरअसल वो साड़ी मेरी है। हा? क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये साड़ी मेरी है। ये साड़ी आपकी है? ये आप क्या कह रही है? हाँ हाँ, जो आपने साड़ी पहनी है वो मेरी है। एक मिनट, ये साड़ी आपकी है मतलब? मतलब क्या? ये साड़ी मेरी है। ये आपकी साड़ी कैसे हो सकती है बताइए? ये साड़ी मुझे मेरे पति ने सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे आज ही दी है। हाँ, देखिए कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है कि ये साड़ी मेरी है। थैंक यू, क्या बात है? अरे मुझे क्या है? ऐसे कैसे कह सकती है आप? मैंने कितनी बार आपको समझाया फिर भी रुकिए। फोन दीजिए आपका एयरबैग, मैं अभी तक आपको फोन करती हूँ। देखिए, there must be some kind of misunderstanding, ऐसा नहीं हो सकता। कितनी बार मैंने कहा आपको? मैं सूट हूँ। ये क्या बोलाचाली हो रही है? एक मिनट, क्या हुआ? मरना है मैं। राजीनामा दे। पापा, चलिए नीचे जाकर देखते हैं। चल चल चल। अंजलि भाभी? वो जरूर कोई गड़बड़ है। और चल रोशन, थले चलते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप है कौन, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की ये साड़ी आपकी है? देखिए आप शांत हो जाइए, हमारा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं है, लेकिन ये साड़ी मेरी है। अंजलि भाभी, क्या हुआ? अंजलि, क्या हुआ? जल्दी, क्या हुआ अंजलि भाभी? ये कौन लोग हैं? क्या हुआ? देखिए ना दया भाभी, ये साड़ी तारक ने मुझे गिफ्ट में दी है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये साड़ी उनकी है। मतलब? नहीं नहीं, साड़ी तो इनकी है, हमने तो कचोरियां भी खाई हैं। आपके पति का नाम तारक मेहता है ना? हाँ। तो फिर हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये साड़ी हमारी ही है, और हमने इस साड़ी के पूरे 20,000 रुपए चुकाए। मेहता साहब का कहीं सीक्रेट लफड़ा? ये क्या बोल रहे हो भाई? नहीं है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती है कि ये साड़ी आपकी है? हाँ, माधुरी भाभी, देखिए हमारे पास इस साड़ी का बिल है, और इसका पेमेंट हमने किया है। हाँ, तो मेरे पति ने भी ये साड़ी पेमेंट दे के खरीदी है, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पति ने चोरी की है? देखिए मेहता साहब बहुत उसलों वाले हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या बोल क्या रहे हैं आप? मेहता साहब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे वो तो बोला ना, मेहता साहब के बारे में बात कर रहे हैं। मेहता साहब के बारे में आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? सही बात है, मेहता साहब एक आदरणीय लेखक है। तो वो लेखक छोड़ो, वो मेहता साहब सिर्फ हमारी सोसाइटी के ही नहीं, पूरी सोसाइटी के सम्माननीय इंसान है। पूरी सोसाइटी? वो मेरा मतलब है आसपास की सारी सोसाइटी के। और जी, मेहता साहब की सारे समाज में पूरी इज्जत है। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा तो आप अपनी साड़ी का बिल दिखाइए। हाँ अंजलि भाभी, आप इनको बिल दिखा दीजिए। अंजलि भाभी, दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। अंजलि भाभी, दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल का बिल और साड़ी की साड़ी हो जाएगी। दिखा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ पर बिल मेरे पास नहीं है, बिल तो तारक के पास होगा ना? तो मेहता साहब को बुलाइए बिल से, मतलब बिल के साथ घर से। पर तारक तो घर पे नहीं है, एक फाइल देने गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन आप लोग ऐसे कैसे कह सकते कि ये साड़ी आपकी है? हाँ। ये मेरी सरप्राइज गिफ्ट है। तारक तो घर पे नहीं है, एक फाइल देने गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन आप लोग ऐसे कैसे कह सकते कि ये साड़ी आपकी है? हाँ। ये मेरी सरप्राइज गिफ्ट है। देखिए आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। जिस मॉल में हम लोग साड़ी लेने गए थे, वहाँ फॉल्स फायर अलार्म बज जाने के कारण कुछ भगदड़ सी मच गई थी, और आपकी और हमारी बैग एक्सचेंज हो गई, और हमने उस मॉल से आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाली, और बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। ओह अच्छा,
क्या क्या मैं कुछ समझा नहीं बे क्या अच्छा हो अरे नहीं नहीं मतलब जिस शॉपिंग मॉल में वो थे ना वहाँ पे फॉल्स फायर अलार्म बजा मतलब वही पूछ रहा हूँ समझ में नहीं वहाँ पे ऐसे गलती से अलार्म बज गया किसका किसी को लगा आग लग गई तो अलार्म बजता है ना वैसा अलार्म बज गया तो वहाँ पे भगदड़ मच गई तो उस भगदड़ में वो बैग एक्सचेंज हो गई धक्का मुक्की में हाँ धक्का मुक्की में मतलब मेहता साहब के बैग शायद इनके पास चली गई और इनकी बैग मेहता साहब के पास आ गई अच्छा हाथ से छूट गए ऐसा हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा अभी क्या मालूम वो आग लगी नहीं थी लेकिन सायरन बज गया मॉल में तो सब हड़बड़ाहट हो गई ओहो अंजलि भाभी इसका मतलब ये है कि सरप्राइज गिफ्ट में मेहता साहब ने आपके लिए साड़ी नहीं खरीदी है तो अंजलि भाभी मेहता साहब ने आपको कौन सी सरप्राइज गिफ्ट दी है हाँ ले ये बात तो अभी तक सरप्राइज ही है हाँ हाँ बराबर आपकी शॉपिंग बैग हमारे पास है अंजलि भाभी आपकी असली सरप्राइज गिफ्ट क्या है वो आप पता चलेगा हाँ देखो अंजलि भाभी गो अहेड जाओ तो एक मिनट हाँ ये रही असली गिफ्ट चॉकलेट्स तो नहीं है माय गॉड डायमंड वाली घड़ी जरा हमें भी दिखाओ मॉन्स्टर देखा अरे बाप रे अंदर सफेद है और ये सॉलिड डायमंड्स है ना थोड़ा इधर या श्योर रहे हो आ गई हां अच्छी वाह जबरदस्त है हाँ काफी महंगी लगती है माधवी भाभी ने देख लिया अभी दिलानी पड़ेगी मैं सिर्फ इसको कुशन दे सकता हूँ घड़ी नहीं भाई, दे 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 अंजलि भाभी ये घड़ी तो मुझे ये साड़ी से भी महंगी लगती है सच्ची कितना प्यारा वॉच है ना हाउ लकी अंजलि भाभी एक्चुअली आई एम सो सॉरी इतने सारे कंफ्यूजन में हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है नो प्रॉब्लम इट्स ओके आप चलिए ना मेरे घर चलिए तारक अभी आते ही होंगे आपको साड़ी भी तो लौटानी है लो लगता है मेहता साहब आ गए सौ साल जी गए रुकना भाई Excuse me, क्या तारक मेहता यहीं रहते हैं जी हाँ यहीं रहते हैं तो आप में से तारक मेहता कौन है इसके पास भी सेम टू सेम बैग है हाँ भाई साहब आप मेहता सबको क्यों ढूंढ रहे देखिए मॉल में भगदड़ मचने की वजह से मेरी बैग और तारक मेहता जी की बैग एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई थी मैं उसे ही बदली करने आया हूँ समझ भाई तू ठीक से समझा भाई मुझे हे भगवान कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए समझा हाँ तो समझा अब मान लो ए मतलब मेहता साहब बी मतलब ये साड़ी वाले भाई साहब और सी मतलब ये जो भाई साहब अभी अभी आए वो पहले क्या हुआ ए और बी में टक्कर हो गई तो बी की बैग ए के पास चली गई और ए की बैग बी के पास चली गई ओके भगदड़ चालू ही थी थोड़ी देर में सी और ए में टक्कर हो गई तो सी वाले भाई साहब की बैग ए वाले के पास आ गई और ए की बैग सी वाले के पास चली गई तो अभी फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो बैग है वो मेहता साहब के पास है और मेहता साहब की बैग इनके पास आ गई एबीसीडी सिखा रहे अभी तो मेहता साहब के बैग में तो साड़ी थी ना वो बैग लेके है वो तो ये साड़ी वाले भाई साहब अपनी बैग लेके जा रहे हाँ अंजलि भाई मेहता साहब कब आने वाले हैं बहुत कंफ्यूजन है नहीं भाई साहब आप बताइए आपने मॉल में से क्या खरीदा था डायमंड की लेडीज रिस्ट वॉच ये बगा अरे एबीसी से हे भगवान ये तारक मुझे कैसी सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं अंजलि भाभी आप हिम्मत रखिए आपकी सरप्राइज गिफ्ट शायद वो तीसरी ही होगी
ओ, मतलब अंजलि भाभी जिस जिस गिफ्ट को अपनी सरप्राइज गिफ्ट समझ रही थी वो उनकी है ही नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ तो उनके सरप्राइज गिफ्ट कौन सी है? माला का विचारते है। अरे तू ही कब से बोल रहा है ना, अच्छा करके बहुत समझ में आ रहा है तुझे, इसलिए तुझे पूछ रहा हूँ भाई। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे ऐसा लगा पहले कि मैं समझ रहा हूँ लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। क्यों कर रहा है भाई? वो क्या है, मॉल में फायर अलार्म बजने की वजह से भगदड़ मच गई और उसकी वजह से बैग अदली बदली हो गई। सबके सामने खोलूंगी, ठीक है ना? बराबर है अंजलि भाभी, खोलिए खोलिए। हाँ दिखा दिखा, मेहता साहब क्या लेके आए आपके लिए? है ना सब बराबर है, घर जाके आराम से। जल्दी खोलिए जल्दी। आप ये लाए मेरे लिए? हाँ मतलब ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट, पत्नी को खुश रखने के 1000 तरीके। मेहता साहब असल में अंजलि क्या है कि मैं बहुत भाई क्या गिफ्ट दूं बड़ा कंफ्यूज था। सुबह से सबसे फोन करके भी पूछा कि भाई बताइए क्या गिफ्ट दूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मॉल में गया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या खरीदूं। फिर मेरी निगाह इस किताब पे पड़ी तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया गिफ्ट तुम्हारे लिए क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें रोज खुश रखूं। भाई तुम्हें खुश रखने के 1000 तरीके, तो अगले 1000 दिन तक मैं तुम्हें रोज एक गिफ्ट दूंगा। बस कीजिए, बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। पहले मुझे लगा आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए, साड़ी पे मेरा दिल आ गया और पता चला साड़ी मेरी नहीं है। फिर मुझे लगा आप मेरे लिए घड़ी लेकर आए, घड़ी पे मेरा दिल आ गया, फिर पता चला घड़ी भी मेरी नहीं है। और मुझे सरप्राइज गिफ्ट में मिला क्या, तो एक किताब। ये पत्नी को खुश रखने के लिए किताब। अंजलि एक मिनट, आप लोग जरा प्लीज मेरे साथ आइए प्लीज, एक मिनट। कैसे ऐसे होता है भाभी? तो मुझे पता है पर हमेशा किताब लाते हैं। मेहता साहब लेखक है ना, इसलिए किताब गिफ्ट कर दी। तो तुम क्या माधवी भाभी को चौक गिफ्ट करते हो? माझे मागेस लागले आज। कोणाच्या संगती वार्ता करते तुम्ही? नाही बाबा कोणाच्या संगती नाही। वेळा होणार वेळा, एका दिवशी असं एकटा बोलायचा नको। आज चाललंय तिथे अंजलि देखो नाराज मत हो, तुम्हें ये साड़ी और घड़ी पसंद है ना, तो बस ये तुम्हारी ही है समझ लो। सच अंजलि जी, ये साड़ी आपको मिस्टर मेहता की तरफ से ही गिफ्ट है और ये घड़ी भी, ये तो आपकी। अंजलि भाई इन लोगों ने मेरी मदद की, मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया। भाई जब मैंने देखा कि तुम्हें किताब पाके कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई है लेकिन ये साड़ी और घड़ी तुम्हें बहुत पसंद आई, तो भाई मैंने इनसे कहा कि भाई हमारी पत्नी नाराज हो जाएगी, हमारी इस खूबसूरत पत्नी को ये साड़ी और घड़ी पसंद आ गई तो आप हमारी कुछ मदद करेंगे। ये मदद करने के लिए तैयार हो गए, तो मैंने इन्हें वादा कर दिया कि बिल्कुल ऐसी ही साड़ी और घड़ी खरीद के मैं कल इन्हें पहुंचा दूंगा और ये लोग मान गए, तो अब ये गिफ्ट तुम्हारी है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। वाह वाह, सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, वेरी सॉरी। नो इट्स ऑल राइट। अंजलि जी आई मस्ट से आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो है लेकिन तारक इतनी महंगी गिफ्ट वापस दे दूं? अरे भाई तुम्हारी खुशी से बढ़कर थोड़ी है। सच? थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग अगर ये बैग्स आपके साथ एक्सचेंज नहीं होते और आप लोग क्या देने नहीं आते तो मैं अंजलि को इतनी प्यारी गिफ्ट्स नहीं दे पाता। थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। बाय। बाय सॉरी है या बाय।
सेटलमेंट कर दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेहता साहब कौन से मुहूर्त में आप मॉल में गए थे? एक्सचेंज पे एक्सचेंज हो गया सब है? अरे भाई जेठालाल ये तो शुक्र है कि सिर्फ 2-3 बैग एक्सचेंज हुए, ज्यादा होते तो कुछ नहीं। मेहता साहब यहाँ पे लाइन लग जाती और सुबह तक एक्सचेंज ऑफर चलता रहता। लेकिन अंजलि बाबी मानना पड़ेगा हो, आपको चाहिए थी एक गिफ्ट लेकिन मेहता साहब ने आपको फटाक से 3-3 सरप्राइज गिफ्ट दे दी। कांगारू सैसन। हाँ देखो ना, आई एम सरप्राइज नाउ। मेरी माँ हमेशा कहती है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर बात के लिए तेरी माँ के पास एक और बात तैयारी रहती है नहीं? माँ तो माँ होती है ना। हाँ तो अरे अंजलि तुम्हारी गिफ्ट तो हो गई, अब मेरी गिफ्ट का क्या है भाई? Oh my God, आपका सरप्राइज गिफ्ट रेडी है। डिलीशियस मसालेदार खाना। तारक्स फेवरेट। अरे मेहता साहब जाइए जाइए, आपके यहाँ मस्त मसालेदार कचोरियाँ बनी है, खाइए और अपना सरप्राइज एंजॉय कीजिए। अरे आता कोण आलं? अरे बाप रे, इसके पास भी सेम टू सेम बैग है। हे भगवान, एक और एक्सचेंज। चाले का है? मिस्टर तारक मेहता कहाँ रहते हैं? मैं हूँ तारक मेहता, कहिए जी। मैं शॉपिंग मॉल से आया हूँ, आपने जो किताब खरीदी थी उसके साथ ये फ्री है। फायर अलार्म की भगदड़ की वजह से हम आपको दे नहीं पाए, ये लीजिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या बात है भाई, मेहता साहब एक और गिफ्ट। क्या क्या फ्री में क्या मिला है मेहता साहब, देखो तो सही जरा। हां देखो देखो, मॉल वाले आजकल कमाल हुए, घर तक गिफ्ट देने आते हैं। हां मेरी गिफ्ट है, मैं खोल। हां हां ओहो अंजलि बाबी, आपको तो 4-4 सरप्राइज गिफ्ट मिल गए। हां और अब ये सरप्राइज गिफ्ट देखिए। पति को खुश रखने के 1000 तरीके। क्या मेहता साहब आपने भी क्या किताब लाया। वाह वाह वाह, आज तो तुमने सचमुच मुझे चौंका दिया अंजलि, माय लवली अंजलि, क्या बात है। पहले तो कचोरी, फिर वो घी वाले पराठे, कश्मीरी पुलाव, बैंगन का भरता, अभी तो उनका स्वाद भी मुंह से गायब नहीं हुआ, और ये बासुंदी, आ हा हा हा, क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू तारक, थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी कि आपको ये सब पसंद आया। वैसे एक बात बताऊं, आपने भी आज मुझे सरप्राइज गिफ्ट पे गिफ्ट देके ना बहुत खुश कर दिया। ये सब मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आई एम सो हैप्पी, इतना मजा आया आज सच में। मजा आ गया ना, तो बस मुझे आज एक छोटा सा प्रॉमिस कर दो कि जिंदगी में दोबारा कभी सरप्राइज गिफ्ट नहीं मांगोगी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? तारक ऐसा प्रॉमिस दुनिया की कोई पत्नी नहीं करेगी। ठीक है तुम प्रॉमिस करो ना करो, लेकिन अभी तुम्हारे सरप्राइज बाकी है मेरे दोस्त। डोंट टेल मी तारक कि आप मुझे एक और सरप्राइज देने वाले हैं। देखिए ये पुस्तक मैं पहले पढ़ूंगा, पत्नी को खुश रखने के 1000 तरीके। हाँ हालांकि मुझे आते हैं लेकिन फिर भी पढ़ने में क्या हर्ज है। और अब आपके लिए पति को खुश रखने के 1000 तरीके। तारक मैं तो आपको खुश रखती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल रखती है, लेकिन एक छोटी सी सलाह है बस, इस किताब को पढ़ लेना, लेकिन 1000 तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरीका अपना दो अंजलि मैं खुश रहूंगा। अच्छा खाना खिलाती रहो बस। हाँ लेकिन महीने में सिर्फ एक बार। तुम नहीं सुधरोगी अंजलि। एनीवेज अभी तो खाओ।